भैया जी गैंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार आपके बीच में फिर से हाजिर हूं। जी हां, किसानों की महापंचायत हुई, बड़ी चर्चा, तमाम चर्चा, चर्चा पे चर्चा है और होनी भी चाहिए। अब सवाल यह है कि जो ट्वीट किया वो ये था, जो मुद्दा जो है आज की जो बहस का मुद्दा है जिसको कि हम लेके आपके बीच में हाजिर हैं, वो ये कि बीजेपी का आरोप है कि राहुल झूठी फोटो डालते हैं और भ्रम की राजनीति करते हैं। अब झूठी फोटो कौन सी है? कल के वे ट्वीट पर उन्होंने मुजफ्फरनगर एट किसान महापंचायत लिखा था, लेकिन आज का ट्वीट जो उन्होंने किया उसके साथ जो उन्होंने एक फोटो डाली उससे भ्रम हुआ और ये भ्रम ये था कि ये मुजफ्फरनगर की फोटो है। अब इस पर बहस दोनों तरफ से बातचीत हुई और उन्होंने हालांकि नीचे लिखा था कि फार्मर्स वाली बात उन्होंने लिखी थी, लेकिन अब सवाल यह है कि इस फोटो को लेकर बीजेपी ने वार किया कांग्रेस की तरफ, दोनों की तरफ क्या है स्थिति, पहले उसको हम समझेंगे बाइट के जरिए और फिर हम आएंगे सीधे सवाल पर और मेहमानों से आपका हम तारुफ कराएंगे। राहुल गांधी जी यूं तो जमीन पर उतर कर राजनीति करते नहीं है, किंतु ट्विटर पे सक्रिय रूप से भ्रम की राजनीति करते रहते हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट करके एक पुराने फोटो को आज का फोटो दिखाने का कोशिश किया है। किसान आंदोलन के एक पुराने तस्वीर को रख करके उन्होंने उसे वर्तमान के तस्वीर के रूप में दिखाया है। तस्वीर में कहां लिखा कि यह मुजफ्फरनगर महापंचायत की तस्वीर है? कल के ट्वीट में राहुल जी की, वहां वो उन्होंने टैग किया है मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत और लिखा है, गूंज रही सत्य की पुकार, तुम्हें सुनना होगा अन्यायी सरकार। और आज के ट्वीट में वो लिख रहे हैं कि वो डटा है, इधर है, निडर है। ये प्रतीकात्मक चित्र है, पिछले 8 महीने 9 महीने से लाखों किसान उद्वेलित होकर सड़कों पर हैं। वो दरअसल मिलते जुलते नाम से आपको मालूम होगा कि मिलते जुलते नाम से भ्रम पैदा होता है। दरअसल ये हुआ, फोटो जो थी वो कहीं और चित्र कहीं का था, फोटो कहीं की थी, लेकिन जब उन्होंने ट्वीट किया, हालांकि उन्होंने लिखा उस पर कि फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये नहीं लिखा उन्होंने कि मुजफ्फरनगर की फोटो है, लेकिन हां भ्रम जरूर बना। इसी से जुड़ा है हमारा आज का सवाल और जो हमारा आज का सवाल है मैं आपके सामने सबसे पहले रखता हूं, इसके बाद अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ कराता हूं। सवाल यह है कि कांग्रेस अपनी सियासत के लिए किसानों का कंधा इस्तेमाल कर रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस अपनी सियासत के लिए किसानों का कंधा इस्तेमाल कर रही है, क्या सवाल यह है? और इसके बाद अपने मेहमानों से हम आपका तारुफ कराते हैं। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे, हम सवाल रखते जाएंगे और बहस को आगे बढ़ाते जाएंगे। सवाल यह है, मेहमान है जयराम विप्लव जी, आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए एक बार बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है जयराम जी। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। भैया जी कहीं से जुड़े रहे हैं, बहुत समय से आते रहे हैं डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय जी। धर्मेंद्र मलिक साहब मीडिया प्रभारी हैं भारतीय किसान यूनियन से, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र मलिक जी, आपका भी हमारे साथ। शिवम त्यागी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे और लखनऊ से डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो सवाल था कि मैंने जो रखा कि कांग्रेस अपनी, एक बार सवाल फिर से मैं आपके सामने रख देता हूं कि क्या कांग्रेस अपनी सियासत के लिए किसानों का कंधा इस्तेमाल कर रही है, और इसी से बहस को खोलता हूं और सबके सामने बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। सबसे पहले बीजेपी जी, जयराम विप्लव। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक भाई। देखिए मुझे तो लगता है कि आज कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि उसको अपनी राजनीति भी आउटसोर्स करनी पड़ रही है। जो कांग्रेस का कभी संगठन मजबूत हुआ करता था वो कांग्रेस आज विपक्ष में जाते ही, 7 साल ही तो हुए हैं इनको विपक्ष की जिम्मेदारी में जाते हुए, लेकिन ये इतनी कमजोर हो गई, या कहें कि इनका शीर्ष नेतृत्व इतना नकारा है, कामचोर है, कि इन्होंने अपने काम को आउटसोर्स कर दिया है। इसलिए ये लगातार दूसरों के, जिसको कहते हैं कि अफगानी शादी में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही काम राहुल गांधी और मुझे ये बताइए, मुझे एक चीज का सवाल का जवाब दीजिए जयराम जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। किसानों की रैली हुई, बड़ी रैली हुई, आपको भ्रम कैसे हुआ? आपने क्यों लगाया इल्जाम की आरोप जो है कि राहुल झूठी फोटो डालते हैं, ये आपने क्यों कहा? प्रतीक जी सबसे पहले
पहले तो मैं कह दूं कि जहां तक लोगों ने देखा उस सारी चीजों को कल जो कुछ हुआ, तो उससे निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि वो किसानों की रैली नहीं थी, वो एक राजनीतिक रैली थी। और उस राजनीतिक रैली में राहुल गांधी जी ने पुरानी तस्वीर डाल करके ये दिखाने की कोशिश की कि भीड़ काफी ज्यादा थी। ये आमतौर पे सोशल मीडिया की टीम ये ट्रिक्स इस्तेमाल करती है, भीड़ को कम ज्यादा दिखाने के लिए इस तरह की पुरानी तस्वीरें भी वायरल की जाती है। और जब इतने बड़े दल के नेता राहुल गांधी उसको ट्वीट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे मीडिया हाउस भी उसको सच मान करके दिखाएंगे, हो सकता है उसको शेयर भी करेंगे लोग। तो राहुल गांधी भ्रम फैलाने में माहिर है, लेकिन मेरा उनसे यही पूछना है कि विपक्ष का जो काम उन्हें खुद करना चाहिए वो काम वो क्यों आउटसोर्स कर देते हैं, कभी सीए का विरोध करने वाले लोगों को, कभी जेएनयू के लोगों किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों। डॉक्टर अजय उपाध्याय रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बाद धर्मेंद्र मलिक भाई मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ जी। डॉक्टर अजय उपाध्याय, पहली बात तो यह है कि लगता है कि क्या ये वाकई भाजपा और सरकार में बैठे नुमाइंदे मति भ्रम के शिकार हो गए हैं क्या? इन लोगों ने मनोविकार का इनको कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई इलाज कराना होगा। क्या ऐसी स्थिति आ जाएगी कि देश में लाखों किसान की सेन, एक तरह से मैं कहूंगा कि जिस तरह से रणसिंघा बजा करके उद्घोष हो रहा है वहां, ये बहरी गुंगी सरकार अन्यायी और अत्याचारी सरकार को ये नहीं दिख रही है? ये सत्य नहीं दिखता क्या? कौन नहीं जानता, कौन नहीं देखा है इस सत्य को कि लाखों की संख्या में 300 से ज्यादा किसान संगठनों ने आज पूरे देश में कन्याकुमारी से काश्मीर तक के लोग मुजफ्फरनगर में आकर के और इस सरकार के जो कुकृत्य है, जो काले कानून है, उसके विरुद्ध में आवाज उठाई है। कांग्रेस पार्टी सदैव इस तरह के किसान मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ने में उनके साथ खड़ी रही है, और राहुल गांधी जी विशेष करके, चाहे संसद की लड़ाई हो या सड़कों पर लड़ाई हो, उसको उन्होंने स्पष्ट करके दिखाया है, लड़ा है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस लड़ाई को सहयोग दिया है। जी, वो फोटो को लेकर भाजपा के फोटो को लेकर धृतराष्ट्र, इल्जाम यह है कि फोटो को लेकर आपने भ्रम फैलाया। हाँ, इस पर भी चर्चा करूंगा मैं, इस पे भी चर्चा करूंगा, क्या भ्रम है उस फोटो में? क्या फोटो से ज्यादा तो सच्चाई इस देश में देख रही है? मुजफ्फरनगर के आप अपने ही साथी से कहिए जरा वो क्लिप दिखा दे कि मुजफ्फरनगर में कितने लाखों की संख्या में लोग हैं। फोटो में तो कम दिख रहा है संख्या, क्योंकि फोटो का एक एंगल होता है, उससे ज्यादा नहीं लिया जा सकता। कहां लिखा है उन्होंने कि ये राहुल गांधी जी ने की ये मुजफ्फरनगर का? कल उन्होंने किया था 5:10 पर ट्वीट, उस ट्वीट को भी पढ़ना चाहिए। और आज एक प्रतीकात्मक तौर पे यदि कोई ट्वीट उन्होंने किया है, ये आज का ट्वीट नगर का है, ये आज का ट्वीट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज का ट्वीट है, ये आज का ट्वीट है। हाँ, एकदम कोई हमें आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि ये जो तस्वीर है ये मुजफ्फरनगर की है, किसानों के की लड़ाई और प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में जो ये सरकार नहीं काम कर रही है उस पे। बीजेपी कहती है कि आपने जिस रॉ में जिस तरह से ट्वीट किया उससे ये लगता है कि ये वही के चित्र है, और जो चित्र है जिससे जो उसकी भाषा है और जो तरीका है वो ऐसा भ्रम पैदा करता है, जैसे उन्होंने कहा है कि कुकू नेस्ट, कोयल का घोंसला, जो और राजनीति आप उसको नाम दिया है उन्होंने। अरे प्रतीक जी, हाँ प्रतीक जी पूरा देश देख रहा है कि कितने संख्या में, लाखों की संख्या में मुजफ्फरनगर में लोग हैं, लेकिन भाजपा के जो धृतराष्ट्र हैं और ये जो कौरवी सेना है, ये पट्टी बांधी हुई है। धृतराष्ट्र को कहिए कि पट्टी खोले अहंकार का, अहंकार का पट्टी खोल करके देखें इस देश के किसानों की क्या स्थिति है, और किसान अपने मान सम्मान और इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और रणसिंघा का उद्घोष हो चुका है। ये छोड़ दीजिए राइट सर, और ट्वीट और इसके पीछे राइट सर, मैं आ रहा हूँ, डिबेट खोलूंगा मैं। पहले सवाल के साथ सबके पास जाना चाहता हूँ। धर्मेंद्र मलिक भाई बैठे हैं, मीडिया प्रभारी हैं भारतीय किसान यूनियन, और अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि वो किसानों की रैली नहीं राजनीतिक रैली थी। धर्मेंद्र मलिक जी, जी तो मैं तो देखिए किसने क्या ट्वीट किया ये मेरे लिए तो कोई मुद्दा है नहीं जी। और अगर ट्वीट की बात करें तो सबसे पहले तो सबसे झूठा जो ट्वीट किया था एक 3-4 साल पहले एक भीड़ को दिखाते हुए, जो गुजरात किया कहीं और की फोटो थी, अमित शाह जी ने इस काम को शुरू किया था। जब भाजपा ये सब सिखाएगी तो दूसरे भी करेंगे, वो विषय नहीं है।
दूसरी बात, इन्होंने कहा किसानों की रैली नहीं थी, ठीक है भाई मान लेते हैं किसानों की रैली नहीं थी, तो आप बता दो फिर वो किसकी रैली थी। अरे आंदोलन हमने कर लिया, मीटिंगें हम कर रहे हैं, और आपको जो कहना है कहिए, आप तो हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी और तमाम तमकों से नवाज चुके हैं, आंदोलन जीवी, अब ये आपने कहना शुरू कर दिया किसानों की रैली नहीं थी। देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि छोटा किसान बड़ा किसान छोटे का फायदा कर रहे हैं, बड़े लोग आंदोलन में है, तो भारतीय जनता पार्टी को तय कर लेना चाहिए वो किसकी रैली थी। बहरहाल ये है कि हर आदमी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। हमने जो मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की और उस महापंचायत से जो एक संदेश देने का प्रयास किया कि देखिए हमारी आपसे कोई लड़ाई तो नहीं है, आप हमारे फैसले करिए, हमारी बात सुनिए, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम कर भी क्या सकते। धर्मेंद्र मलिक जी, आप ये कह रहे हैं कि हमने एक शक्ति प्रदर्शन किया और चुनाव से पहले किया, 2024 तक जाना है और उत्तर प्रदेश का चुनाव हमारा कोई हार जीत होगी तो देखेंगे, लेकिन उससे मैंने मतलब नहीं, 2024 तक शक्ति प्रदर्शन है और वो हमने किया। धर्मेंद्र मलिक जी ये आप कह रहे हैं? नहीं देखिए, नहीं नहीं मैं 24 की बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने, हम सरकार को बताना चाहते हैं कि देखिए किसान आपसे नाराज है, इतनी बड़ी संख्या में नाराज है कि तमाम जगह आंदोलन महापंचायत सब चीजें हो रही है, और आपको इसको देखना चाहिए, आप हमारे फैसले कर लो, हम 24 में क्यों जाएंगे, कल हमारा समाधान कर दो परसों अपने घर चले जाएंगे, बड़ी सिंपल सी बात, हमें कोई राजनीति थोड़ा करनी है या हमें चुनाव लड़ना शिवम है। त्यागी, शिवम त्यागी, पहला सवाल ये था कि कांग्रेस अपनी सियासत के लिए क्या किसानों का कंधा इस्तेमाल कर रही है, और बीजेपी का आरोप है कि राहुल झूठी फोटो डालते हैं और भ्रम की राजनीति करते हैं। ओपनिंग रिमार्क आपका। प्रतीक जी मैं एक कहावत से शुरू करूंगा जो उत्तर प्रदेश में होती है और उसके बाद उसको जोड़ने की कोशिश करूंगा, और कहावत कुछ इस तरह से है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने किस्सा जोड़ा। अब इसको मैं चरितार्थ करता हूं कैसे, ये जो है मेरा प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल है, इस पे फोटो मेरी लगी हुई है, लेकिन साहब ये मेरी नहीं है, ये प्रतीकात्मक फोटो है, ये मैं नहीं हूं, एज बकौल राहुल जी ये मैं नहीं हूं। आपने ट्वीट किया, ट्वीट के नीचे एक फोटो लगाई जो कि किसान प्रोटेस्ट की बात करती है जो कि उस दिन हुआ है, और आप कहते हैं ये तो प्रतीकात्मक फोटो थी। अरे मेरे प्रोफाइल पे मेरी प्रोफाइल पिक्चर अगर लगी हुई है तो प्रतीकात्मक कैसे हुई? आप अगर किसान प्रोटेस्ट की हैशटैग किसान प्रोटेस्ट करके तस्वीर डाल रहे हैं, मतलब आप डाल रहे हैं आपकी चोरी पकड़ी गई तो यह प्रतीकात्मक हो गई। अब आ जाते हैं धर्मेंद्र जी की बात पर। धर्मेंद्र जी ने कुछ सवाल उठाए, कहते कि ये फोटो का गेम तो भाजपा करती थी तो कोई और भी बाकी सब भी करेंगे, मतलब आप भी अगर भाजपा जैसे ही है और सब भाजपा जैसे है तो लड़ाई कैसी? फिर इन्होंने कहा कि ये हमारा शक्ति प्रदर्शन था, चुनाव में हम जाएंगे नहीं। चुनाव में तो आप मुजफ्फरनगर में पहले ही चले गए जिला पंचायत में जनाब, ये पूरी तरीके से चुनावी है, आप चुनावी हैं, चुनाव लड़िए, कोई परेशानी नहीं है, स्वागत है आपका, लेकिन झूठ मत कहिए कि हमें चुनाव से लेना देना नहीं है, किसी चीज से लेना देना नहीं है। और जहां तक राजनीति चमकाने की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में या फिर देश में केंद्र की सरकार में कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी के पास इतना जनसमर्थन है ही नहीं, तो उन्होंने लगातार कंधे आउटसोर्स करे हैं। मैं कहता हूं किसानों के नाम पर जो लोगों को बरगलाने का काम किया गया है और जिस तरह से गलत पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई है, मैं तो खुला चैलेंज करता हूं, जो कहता हूं कि इस बिल में कोरोना से भी खतरनाक बिल इसको बताया गया, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लीजिए, अपने आप 10 मिनट में चीजें निकल कर आ जाएंगी सब एक तरफ। राइट सर, मैं आता हूं आपके पास, और हमारे पास आखिरी प्रवक्ता जो है डॉक्टर अजीज खान, और अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफ किसानों की और दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और आम जनता की अभूतपूर्व एकजुटता ने दिखा दिया कि भाजपा की दमनकारी विभाजनकारी दम्भी सत्ता कभी वापस नहीं आएंगी। आपका ओपनिंग रिमार्क, डिबेट ओपन। देखिए प्रतीक भाई, ये अभी मैं शिवम त्यागी जी को सुन रहा था। देखिए एक शेर है कि अंधेरी रात नाम नहीं लेती है ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का, कहीं हम सबको समंदर बहा के ना ले जाए, ये खेल खत्म करो कश्तियां बदलने का। साहब मेरी मूछ बड़ी कि आपकी मूछ बड़ी, साहब लड़ाई इसकी नहीं है कि मूछ किसकी बड़ी, आज समस्या से कौन जूझ रहा है लड़ाई इस बात की है, और शायद इस पर चर्चा नहीं हो रहा है। साहब फोटो किसकी है? अरे मैं तो कहना चाह रहा हूं कि जो राहुल जी ने जो फोटो ट्वीट किया है वो शायद फोटो बहुत छोटी है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं वो फोटो बहुत छोटी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर और पश्चिम में कहावत है कि जिसने जीआईसी का ग्राउंड भर दिया उसने सत्ता को पलट दिया। साहब 10 लाख की भीड़ वहां पर आती है और 10 लाख की भीड़ थी। मैं कह रहा हूं बीजेपी किस मुकालते में है, किसानों का जो रोष है आज वो देखने को मुजफ्फरनगर में मिला।
राइट सर, डिबेट ओपन है। सबसे पहले जयराम विप्लव ने हाथ उठाया। जयराम विप्लव सबसे पहले हाथ उठाया। प्रतीक भाई, इन्होंने 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 ट्वीट की बात की, इनको तो वाकई में कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखिए कि आज किसानों में रोष कैसा है। ठीक है सर, वो किसान, अरे अजीत जी सुन लीजिए, किसान के हम आएंगे। डॉक्टर अजीज खान आपके खिलाफ जो रोष है किसानों का, वो डॉक्टर अजीज खान डॉक्टर अजीज खान प्रतीक जी, अजीज भाई को तो वाकई में कोई दिक्कत नहीं होगी, और क्योंकि अहंकार भी आपका खत्म। अजीज खान साहब अरे कोई राजनीतिक रैली का मंच नहीं है, आराम से मिलकर डिस्कस कर लेंगे। प्रतीक जी ट्विटर पर वाकई इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अभी ट्विटर उठाकर देख लीजिए, दुनिया मजाक बना रही है। अखिलेश जी ने कल दो सांडों की लड़ाई का एक वीडियो पोस्ट कर दिया और कहा कि इसके लिए भी योगी और मोदी जिम्मेवार हैं। तो इनकी भाई चर्चा क्या हम करें इन चीजों को, तो ये तो डिफेंड करेंगे ही। अब हम आते हैं कि मैंने राजनीतिक क्यों कहा। अभी हमारे किसान प्रवक्ता कह रहे थे कि हम चले जाएंगे, हमारी मांगे मान लीजिए। ये कल तक तो टिकैत जी के जुबान पर होता था कि कानून वापसी हो, लेकिन कल के रैली में उन्होंने क्या कहा, कानून वापसी नहीं साहब, हम तो सरकार वापसी के लिए आए। ये जो अंतर आया है कल की रैली में, जयंत चौधरी जी की पॉलिटिकल रैली ज्यादा लग रही थी, जिस पार्टी से टिकैत साहब लोकसभा का चुनाव लड़े थे अमरोहा। और कल की रैली में उन्होंने ये भी कहा कि मिशन यूपी तक ही हम सीमित नहीं है, मिशन इंडिया भी पूरा करेंगे। ये क्या मिशन इंडिया है, क्या मिशन यूपी है? और यही तक नहीं, इन्होंने कहा इंडिया फॉर घूम रहे थे। प्लीज रिस्पॉन्ड करिए डॉक्टर अजीज खान, की बात कहा नहीं था। डॉक्टर अजीज खान मैं आ रहा हूँ डॉक्टर अजीज खान। देखिए सर, मैं बताऊं, देखिए प्रदीप जी, शायद अभी जो धूल लगा हुआ था आईने पे, वो आईना अभी इनको साफ, मेरे ख्याल से आईना साफ नहीं किया इन्होंने, अभी इनको चेहरा नहीं दिख रहा है अपना। आज जिस तरीके से किसान परेशान है, 9 महीने से प्रदर्शन कर रहा है, आप मजाकिया अंदाज में उसको 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 कहीं ना कहीं उसकी चुटकी ले रहे हैं, आप उसमें तंग कर रहे हैं। बहुत भारी पड़ेगा, आप समझ नहीं रहे बात को। और जो हमारा अन्नदाता है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, उसको नहीं समझ रहे हैं। आपका अहंकार अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आप तरह तरह के आरोप उन किसानों पर लगा करके देश को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको भारी पड़ेगा, एक बात आप समझ लीजिए। दूसरी बात, अभी लगातार जो आप बातें कर रहे हैं कि साहब इनकी फोटो नहीं है, साहब वो किसान ये कह रहा है, सरकार सरकार को हट जाएगी, यही किसान सरकार आपका हटा है, देखिए दो तीन चीजें हैं। अभी जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता और एक अंधभक्त विश्लेषक का जो नजरिया हम लोगों ने देखा, देखिए दो चीजें हैं प्रतीक जी। अभी भाजपा के प्रवक्ता का अहंकार तो हम सब देख ही रहे हैं, और कुछ अंधभक्त विश्लेषक भी आजकल हो गए हैं, उन्हें भी किसानों की ये समस्या नहीं दिखती। तीन तीन कानून की बात करते हैं। मैं यहाँ पैनल पे बैठे सभी लोगों से पूछता हूँ, जरा एक बार वो तीनों कानून का नाम एग्जैक्ट बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं है किसी को पता, आप लोगों को पता ही नहीं है, आप तो सिर्फ चाहते हैं कि बस अंधभक्ति में और धृतराष्ट्र का जो है कहीं ना कहीं पट्टा बांध रखा है। छोड़िए पट्टा छोड़ दीजिए और आइए सच्चाई को देखिए, आवाज क्या है, उनकी भावना को जरा समझिए, अभी भी समझिए। वो हमारे धरती पुत्र हैं, अन्नदाता हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने नस्ल और फसल की लड़ाई है। कम से कम इसको समझने की कोशिश करिए। इसमें पैनल में बैठे हुए अधिकतर लोग किसानों के ही बेटे हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं किसानों के बेटे हैं। अहंकार छोड़ दीजिए। और भी 10-10 लाख लोग यदि आ रहे हैं सड़कों पर, तो आपकी अब सत्ता हिलने वाली है, अहंकार में आपको नहीं दिख रहा है।
शिवम त्यागी, शिवम त्यागी होने वाला है राइट। कहिए वन बाई वन कहिए वन बाई वन जयराम जी अजय जी पर लड़ने वाले जयराम जी एक एक करके बोलेंगे तो सुनाई नहीं पड़ता सब जी। शिवम त्यागी दस सेकंड हमको दे दीजिए प्रतीक जी, एक मिनट शिवम कोरोना के समय किस तरह की लड़ाई लड़ी जी बोलिए अजय जी बोलिए दस सेकंड दे सकते हो तो जी बोलिए जिस तरह से कोरोना के समय जिस तरह से काली रात में एक किसानों ने अपनी जिंदगी और मौत के लिए लड़ाई लड़ी, जिस तरह से उस पर आपने कीले और कांटे डाले, किसी ने नहीं देखा। 9 महीने से लोग सड़कों पर है। अरे हमारे देश के नागरिक है वो, अफगानी तालिबानी आतंकी और नक्सली नहीं है। अभी भी आपको वही नजरिए से देख रहे हैं, यही दुखद है। देश का लाखों किसान यदि आपके नजर में देश का नागरिक नहीं है तो इस देश का नागरिक कौन है? शिवम त्यागी और शिवम त्यागी देशद्रोही नहीं हो सकते इस बात के लिए? यदि लाखों किसानों को देशद्रोही कर दिया गया, देशद्रोही नहीं हो सकता? प्रतीक जी अब इनको कहिए ना। प्रतीक जी अब दिस इज बिजार नाउ। प्रतीक जी मैं सबसे पहले तो इनको कहना चाहता हूं, नंबर वन, द फार्मर प्रोडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फेलिसिटेशन बिल 2021, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस 2, याद किया, फ्रॉम सर्विसेज बिल 2020 एंड द एसेंशियल कमोडिटीज। अब सुनिए, आप खुद लगा लेंगे, आपकी तरह बिना पढ़े नहीं बैठे यहाँ पर। सुनिए, यही प्रॉब्लम आप लोगों का। फिर बीच में प्रतीक जी का उग्रवाद बंद कराइए, मेरा आपसे प्रतीक जी इनसे कहिए, प्रतीक जी इनको कहिए ना, आपको सुनना, आपको इनको कहना पड़ेगा। हाँ बोलिए बोलिए प्रतीक जी। हाँ आप प्रतीक जी, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि बेहतर होगा अगले, अब इनको बंद करिए ना जी। जी बोलिए बोलिए प्रतीक जी, इनको कहिए ना प्लीज। किसान, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि अगली बार जब टीवी पर चैलेंज दे और बैठे तो पढ़ के बैठा करें, ये अनपढ़ों की तरह आके बातें मत किया कीजिए। और ये बीच में हैकल करने से कुछ नहीं होता है, ज्ञान की कोई परकाष्ठा नहीं होता है। ज्ञानी है आपको तो पूरा देश ज्ञानी मानता है। पट्टी हटा लीजिए और मनोविकार के जो शिकार है उसको दूर सुनिए जरा। देश के किसानों का दर्द समझिए। पॉइंट टू पॉइंट प्रतीक त्रिवेदी होंगे इस डिबेट के मॉडरेटर। मैं जानता हूँ आप भी कौन है, सबको पता है। मैं कहता हूँ ना प्रतीक जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कमियां जानना चाहते हैं। तीन नहीं फिर देखिए आप, तीन नहीं भारत सरकार से पूछिए, 13 कमियां भारत सरकार ने निकाले हैं। मैं कहता हूँ तीन, अरे तीन, 13 कमियां भारत सरकार ने ही निकाले। एक मिनट मतलब शिवम त्यागी अजय जी दोनों की ऑडियो डाल अजय जी प्लीज टेल मी वन थिंग, समस्या डिबेट में सॉल्व करना है या बढ़ाना है? और धर्मेंद्र मलिक जी घर जाएं, ये हम सबका होना चाहिए ध्येय कि धर्मेंद्र जी मलिक जी, इनकी जो यूनियन के लोग बैठे हैं, 300 किसान यूनियन के जो लोग बैठे हैं, वो घर जाएं। और अगर इसमें कहीं से कोई एक छोटी सी भी चिंगारी या रोशनी बनती है, बन सके, हम तो कह रहे बन दे, इतना छोटा प्रोग्राम है कहीं से बन जाएगी, लेकिन अगर बन सके तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए वन बाई वन हम वो बोले और आप उनका जवाब दें, बहुत अच्छा लगेगा। धर्मेंद्र मलिक जी मैं आता हूं, सबसे पहले जो बोल रहे थे शिवम त्यागी जी। प्रतीक जी 10 सेकंड मात्र। हाँ प्रतीक जी, मैं फिर से कहता हूं, आप धर्मेंद्र जी के पास जाइएगा। मैं बड़ा शालीनता और हाथ जोड़कर विनती करते हुए राहुल गांधी जी की पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। आपने मुझसे 3 बिलों के नाम पूछे, मैंने बता दिया, आपका चैलेंज स्वीकार किया। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप वाकई पढ़ते लिखते थोड़ा बहुत भी किसानों के बारे में जानते हैं तो कृपया करके कोई 3 बिंदु और अच्छा, तरीके से गलतियां अच्छा, बता दीजिए जो इस बिल में किसानों को खतरा पैदा करती हो, और इधर उधर मत भागिएगा, पॉइंटर जवाब दीजिएगा। आप सुन लीजिए तो अरे भाई तो सुनिएगा तब तो सुन लीजिए।
सबने देखा है देश में कि किस तरह भारत सरकार 12 मीटिंग के बाद 14 कमियां निकाली, खुद ही निकाली। 14 कमियों में पहला ही कमी आप ले लीजिए कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको आपने जो स्टोर का राइट दिया, कौन नहीं जानता। सुनिए ना, अरे सुनिए ना, सुनिए ना जरा, फिर सुन लीजिए ना, जरा सुन ले, अब फिर चिल्लाइएगा। ये चिल्लाने से कंपटीशन नहीं है, झूठ का कंपटीशन नहीं है। झूठ का कंपटीशन मोदी जी करते हैं, वही तो कर रहा हूँ। अरे भैया वही तो बोल रहा हूँ, सुनोगे तब तो सुन तो लो, 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 सुनने में अंधभक्ति रखोगे, अंधभक्ति को बंद करोगे। मैं समझ रहा हूँ अनपढ़ लोग इसी तरह काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं काम। सुनो ना भैया, सुन तो लो, अरे सुन तो लो, सुन तो लो, तो लॉजिकल भैया सुन तो लो, चिल्लाओगे सिर्फ चिल्लाना है। अरे अंधभक्तो जरा सुन लो, मैं जानता हूँ कि पट्टी बंदी हुई है जी, बताइए। अरे भैया बताइए, बताइए हुई है, बताइए, खोल लो, मैं बताता हूँ, मैं रोकता 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 हूँ। त्यागी जी, त्यागी, त्यागी जी, आपने सवाल, मैं आ रहा हूँ, जयराम आ रहा हूँ। तीन जो आपने बताया ना बिंदुवार, तीनों विद्वार में से एक है एमएसपी का, एक है कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर किसानों का, धनेंद्र अली जी जोड़ दीजिएगा अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो जोड़ दीजिएगा, और तीसरा है कि अगर विवाद होगा तो एसडीएम या डीएम या हमको कोर्ट में जाने की इजाजत मिलेगी या नहीं। अगर कोई धनेंद्र अली जी ऑर्डर में कोई गलती हो सब बड़े में तो आप जोड़ बढ़ा दीजिएगा। मेरे हिसाब से ये तीन ही शायद सबसे बड़े बिंदु हैं जिस पर लेकर पिछले 9 महीने लगातार चर्चा है। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, लेकिन 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 सुनिए शिवम जी, ये तो है, इस पे तो बात हो सकती है। इस मुल्क में इतने लोग किसानों के हित में और उसके विरुद्ध में और तमाम समस्याओं को सॉल्व करने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन मेरा सवाल इससे कहीं बड़ा है, और सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में किसानों का मुद्दा आगे आने वाला है। ये बात बिंदुवार से नहीं है, सवाल कहीं और जा रहा है, इसी पे आऊंगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं आता हूँ शिवम, मैं आपसे शुरू करूंगा। जी कहें, मैं आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर से हम हाजिर हैं और अब सीधे पैनल की तरफ रुख करेंगे, और सवाल जो मेरा है इस ब्रेक के बाद वो ये कि महापंचायत मुजफ्फरनगर की जो महापंचायत किसानों की हुई उसके मंच से धार्मिक नारे जो थे क्या समाज को जोड़ने के लिए थे, क्योंकि वो जो नारे लगे उस पर तमाम सारे सवाल हैं और इस समय सोशल मीडिया पर वो भरा पड़ा है कि तमाम धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे। सवाल ये है कि क्या वो समाज को जोड़ने के लिए थे या समाज में कहीं ना कहीं विखंडन या तोड़ने की कोशिश थी, इसी पर सवाल है मेरा। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र मलिक जी के पास जाना चाहूंगा। धर्मेंद्र मलिक जी, क्लियर करिए। देखिए, देश की एकता अखंडता के लिए पहले से ये कहावत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और ये तो हमारा 37 साल का नारा है, इससे किसी को क्या आपत्ति हो। आप नारे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ के तय होंगे। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका सो था मैंने हाँ भर दी, मेरा गला बहुत खराब था, दो तीन बातें मुझे बोलनी है। लड़ना झगड़ना किसी से है नहीं, 9 महीने हो गए समझाते हुए, क्या इनको समझाने से मतलब, इनकी बात कोई ये पहुंचा नहीं सकते या कह नहीं सकते। अब तो मेरा ऐसा मानना है, इन्होंने दो तीन बात अभी शिवम भाई ने कही थी। एक तो इन्होंने कहा था कि कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, तो वो कटाक्ष था हमारे ऊपर लोगों को। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो घर फिलहाल आपने खड़ा किया है वो तो भानुमति का कुनबा ही है। कुछ लोग आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, जीत जाते हैं, आपके हो जाते हैं, हार जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। दूसरा का आउटसोर्स, पूरा देश आउटसोर्स पे है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कुछ ही खरीद लो कुछ ही बेच लो, सेल फॉर इंडिया लगा हुआ है, आप जो है LIC खरीद लो, तमाम चीजें खरीद लो। तो देखिए, आपके जो चाल चरित्र है, आप दूसरों को, आपकी चिंता जो है ना, आपका जो गुस्सा है वो जायज है, क्योंकि जब किसी पार्टी के खिलाफ इतना बड़ा कोई मूवमेंट होता है या इतना जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लोग खड़े होते हैं तो निश्चित सी बात है उनकी जगह अगर मैं भी हूँ तो डिफेंड मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो आदमी जिस संगठन से जुड़ा हुआ होता है उसकी बात करता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ठीक है वो किसान नहीं थे, ठीक है वो सब आउटसोर्स पे किए हुए थे, आप ये भी कह दो कि कोई दिक्कत नहीं कि किराए की भीड़ थी, देश में सब चीजें व्यवस्था के रूप में चलती हैं। आने वाले समय में आपको जवाब मिल जाएगा, आप कुछ कहो
मैं कहूं कि नहीं हम ये कर देंगे, हम उत्तर प्रदेश में सरकार बदल देंगे आने वाले समय, मतलब उत्तर प्रदेश के चुनाव में या लोकसभा चुनाव में? नहीं देखिए, मैं इसमें कोई गुरेज नहीं करता बड़ी स्पष्ट बात कहने में जी, मेरे कि लोकतंत्र में लोकतंत्र में दो बातें होती हैं कि अगर आप के खिलाफ, हक और हकूक के खिलाफ कोई सरकार काम करती है तो निश्चित रूप से उसको आप वोट की चोट से ही जवाब दे सकते हैं। राइट सर, राइट। शिवम त्यागी प्लीज क्विकली रिस्पॉन्ड एंड शिवम, विप्लव मैं आपके पास प्रतीक जी। सबसे पहले तो मैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, जो मैंने उदाहरण दिया था वो राहुल गांधी जी के लिए दिया था कि तस्वीर पता नहीं कहां से लेकर डाल दी उन्होंने, खैर अपने ऊपर ले लिया, इन्होंने गलत किया, नहीं करना चाहिए था। दूसरा, जो आउटसोर्स करने की बात कही थी वो भी मैंने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ही कही थी, ये कहां से भीड़ लेकर आए, मैं इस बात की गलत काम कर ही नहीं सकता, मैं किसानों को कुछ भी गलत नहीं कह सकता। लेकिन आपने कहा कि अधिकार है, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जिस पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं, दो सीट से शुरू हुई पार्टी आज 300 प्लस सीटों पर है और कितने राज्यों में सरकार है, आपका अधिकार है, आप बिल्कुल प्रोटेस्ट करिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो खत्म करने और ना करने की बात है वो जनता के बीच में है। अगर अब मैं कहता हूं 1 लाख 2 लाख उस ग्राउंड में है ना, तो मेरे इसी उत्तर प्रदेश में 70 लाख से ज्यादा किसान घर भी हैं, वो भी तो किसी पार्टी को वोट देते ही होंगे ना सर, जिन्होंने एमएसपी पर, जिनको सबसे ज्यादा खरीद पर फसल बिकी वो भी तो किसी को वोट देंगे ही ना, जिनको उज्ज्वला का सिलेंडर मिला वो भी तो किसी को वोट देंगे ही ना, जिनको घर मिला वो भी तो किसी को वोट देंगे ही ना, जिनकी फसल मिली वो भी तो किसी को वोट देंगे ही ना। तो उस 1 लाख से 70 लाख और 1 करोड़ किसानों को मत डराइए साहब, ये 1 लाख की भीड़ से ये 23 करोड़ की जो उत्तर प्रदेश की जनता है ना उनको मत डराइए, उस 23 करोड़ के लिए 24 घंटे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी काम करते हैं। 10 सेकंड मांगे उन्होंने, जरूर दे सकते हैं, ठीक है शिवम 10 सेकंड हम दे देते हैं जी। जनाब जनाब देखिए, शिवम जी को ये बोलना नहीं चाहिए कि 96 में जब इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार आई, ये कहीं नहीं थे देश में, महेंद्र सिंह टिकैत जी ने एक इशारा कर दिया था कि राम के नाम पे वोट दे दो, अरे तुम उत्तर प्रदेश में ना आते तो देश में क्या कैसे आते? आपको मुझे भी जवाब दीजिएगा, मुझे भी 10 सेकंड का जवाब दीजिएगा। उस अरे रुक जा यार, सुन लेने दे, बात बोल लिए, 20 सेकंड बोल लिए। आपको उस मानात्मक को उस अंदाजा मांगी और आपसे तहजीब से बात कर रहा हूँ, बीच में मत आइएगा, बीच में मत बोलिए, बात कहने दीजिए। बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बोलते रहते, बिल्कुल नहीं, अरे चुप हो जाओ यार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको उस महानात्मा का ऋणी कभी नहीं उतार सकते भारतीय जनता पार्टी के लोग। कल्याण सिंह की सरकार बनी थी, एक बात बोल दी थी कि अब अगर राम का नाम लेकर वोट दे दो, अरे ये 1 लाख तो 23 करोड़ का काम करेंगे, इंतजार करें भैया, चिंता ना करें, समय आएगा, समय जवाब देता है। शिवम यू हैव टू वेट, जयराम जयराम जयराम, अब हम भी 10 सेकंड मात्र, 10 सेकंड, जयराम 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 जयराम, ना 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 शिवम, शिवम यू हैव टू वेट सर, 10 सेकंड मेरे से पॉइंटेड जवाब है, 10 सेकंड ले लीजिए सर प्लीज, चलिए ना ठीक है, बोलिए बोलिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिन्होंने, आपने कहा कि उन्होंने इशारा कर दिया था, उन्होंने अपने बेटे राकेश टिकैत के लिए भी इशारा किया था, जमानत जब्त हो गई थी, भूल गए क्या? क्योंकि वजह है इसकी, जो किसान संगठन है वो किसानों की बेहतरी के लिए है, सरकारें बनाने के लिए, अरे चलो औकात बताएंगे, किसान आपके साथ इसलिए है, किसान किसान इसलिए है, चिल्लाने से नहीं होता, औकात बता देंगे तुम्हें, अरे जनता सुन रही है, चिल्लाने का समय नहीं है, आप बताएंगे, जनता सुन रही है, अहंकार कहां है, एक लाख की भीड़ इकट्ठी करने आप ही बताने वाले हैं, आप ही बताने वाले राइट सर जयराम विप्लव असेंबली में जाते हैं कानून बनाने के लिए, सब बीच में कौन आ गए? जयराम 47 मिनट हो गया डिबेट को और इन्होंने जो किसान के प्रतिनिधि हैं और जो किसान के सहानुभूतिकार अपने आप को बता रहे हैं यहाँ पर, कांग्रेस और बाकी तमाम लोग, एक शब्द किसान के मुद्दे पर नहीं बोले इन्होंने, और यही हाल इनकी रैली का था। उस रैली में जो अभी ये राम की बात कर रहे हैं कि राम जी के नाम पर टिकट साहब वोट दिलवाया करते थे, तो आज उनके सुपुत्र अल्लाह अकबर के नाम पर किसका वोट पाना चाह रहे हैं, कौन से समीकरण को गढ़ना चाह रहे हैं, और आपने कहा कि 30 वर्षों का नारा है, भैया सुन लो, अरे तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा, मेरे पेट में नहीं हो रहा भैया, अपने 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 तुम रोगों ने हमें किस नारा, ये अहंकार तुम्हें मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव में
लोग देश जोड़ने वाले नारों से क्यों डरते हैं? धर्मेंद्र जी वन बाई वन, देश तोड़ने वाले लोगों को इस नारे से अवश्य थोड़ा बात पूरी करता हूँ। मैंने राहुल गांधी पर तंज किया आउटसोर्स का, तो आउटसोर्स जिनको किया हुआ है उनको दर्द हो गया। ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। दूसरी चीज, ये बात कर रहे थे, मेरी बात पूरी नहीं होने दी कि आखिर अल्लाह अकबर के नारे को इस्तेमाल करके जो आप कह रहे तीन साल से देखो कैसे दर्द हो गया। तीस साल से जब ये नारा था तो बीते 9 महीने में ये आंदोलन में कभी सुना क्या प्रतीक जी? आपने आप ही बता दीजिए, आपने पूरे दिन डिबेट किए, रोज डिबेट किए, अकबर का नारा चुनाव आते ही क्यों लगाया गया? 2012 के दंगों को याद दिलाने के लिए क्या? तो जनता को याद है कि उन दंगों में आपकी भूमिका क्या थी, इसलिए आपकी पूरी राजनीति समाप्त हो गई। अब वापस से पुराने समीकरण को खंगाल रहे, पुराने समीकरण को टटोलने की कोशिश है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर के किसानों ने भी आपको बता दिया था, अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए थे और आने वाले समय में ही बताएंगे, क्योंकि किसानों को 1,48,000 करोड़ रुपया गन्ना भुगतान केवल 2017 से अब तक हुआ, जबकि पीछे 10 साल हुए और बदला के शासन में 96,000 करोड़ का भुगतान होता है। धर्मेंद्र मलिक जी, ठीक है, राइट राइट, धर्मेंद्र मलिक जी जवाब दे देंगे, झूठ बोले। तुमने झूठ बोला था कि एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएगी, झूठ बोलने वाले लोगों को रुपए दिए फैलाने वाले लोगों को भ्रम के बादल छट गए भैया, तुम्हारे झूठ धराशायी हो गए, तुम्हारे चेहरे में नकाब हो गए, और इसलिए तुम्हारे राज्यों के बाहर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। राज्यों में ही तुम्हें क्यों तुम्हारे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, जनता ने 300 सीटों की आवश्यकता नहीं है, जनता ने तुम्हारे 300 सीटों का धर्मेंद्र मलिक जी, धर्मेंद्र मलिक जी धर्मेंद्र मलिक जी विप्लव बहुत पॉइंटेड सवाल पूछा था धर्मेंद्र मलिक जी। लोगों ने ये आरोप लगाया कि उस रैली में धार्मिक नारे लगाए गए, क्या ये सही है या गलत है? आपको क्लियर करना है। सन 87 से लेके जब हमारा 87 में मेरठ में आंदोलन था सीडीए मैदान में, किसान आंदोलन में हमने, अरे चुप होगा या नहीं होगा, चुप रहेगा या नहीं रहेगा, इससे ही बात कर लो जी, आराम से विप्लव बोलने दीजिए जी, आराम से आप जवाब सुनते हैं जी। धर्मेंद्र मलिक जी, मैं पहले ही कहा था मेरा गला खराब है, अगर इनको बोलना है तो बोल देने, तो फिर बोल के बीच में नहीं बोलना चाहिए था ना भाई साहब, अभी गला खराब की याद आ रही है। आराम से आराम, बोलो यार, बोल लो, भौंकते रहो धर्मेंद्र मलिक, बोलते रहो धर्मेंद्र मलिक जी, इनके भाषा देख लो, इनका जुबान देख लो, इसलिए जनता इनको बोलते रहो। धर्मेंद्र मलिक जी चुनाव में सुननी पड़वाती है। धर्मेंद्र मलिक जब जयराम धर्मेंद्र मलिक किसकी बात कर रहे हैं महोदय? किसकी धर्मेंद्र मलिक? धर्मेंद्र मलिक को बोलना है, 10 सेकंड उनके पास है। धर्मेंद्र मलिक,
धर्मेंद्र मलिक, देखिए सन 87 से लेके और आज तक समाज को जोड़ने के लिए भारतीय किसान यूनियन का नारा है, उस समय से आज तक एक बार उठा के देख ले ये महानुभाव, और उनको पता लग जाएगा कि मेरठ में जब टिकैत साहब ने नारा दिया था कि हर हर महादेव और अल्लाह हु अकबर, तो मेरठ में जो सांप्रदायिक दंगे उस समय में चल रहे थे पूरी तरह से शांत हो गए थे, जिनको प्रशासन भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, और 40 दिन हमारा मेरठ में आंदोलन चला था। और हम तो आज भी कहते हैं कि देश के जोड़ने की बात करने वालों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द होता है और वो दर्द साफ दिखाई भी दे रहा है, तो मैं क्या टिप्पणी करूं। बयानों में ये राजनीति साफ दिखाई पड़ रही है। आराम से जरा बोल दो। 50 मिनट में किसानों की एक बात नहीं कही साहब आपके डिबेट में, ये और ये बात कर रहे हैं राजनीति की। ठीक है जरा, ठीक है जब धर्मेंद्र मलिक जी अपना सेंटेंस पूरा करिए, धर्मेंद्र मलिक जी सेंटेंस पूरा करिए, बाकी नहीं बोलेंगे। धर्मेंद्र मलिक जी सेंटेंस पूरा करिए अपना। देखिए इस आंदोलन ने जो है, पहले तो देश में एक बात थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस आंदोलन में जो हुआ है वो हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और बौद्ध, हर वर्ग के लोग उस आंदोलन में हैं, जहां जिस वर्ग की बहुतात है वो वहां पे आंदोलन करता है। देश में सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने का आंदोलन ने काम किया है, हरियाणा पंजाब की लड़ाई को समाप्त किया है, राजस्थान में जाट और गुजर और मीणा के बीच में जो मतभेद थे उसको समाप्त किया है, और उत्तर प्रदेश में जिन दंगों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में आई थी, उत्तर प्रदेश के प्रतीक जी मैं तो यही कहना चाहूंगा हाथ जोड़ करके, प्रतीक जी मुझे आपको और सबको ये कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं, हे भगवान उठा ले हमें, मतलब अल्लाह हु अकबर जिस नारे को लेकर सारी दुनिया में आतंक फैलाया जा रहा है वो शांति का नारा है, और जय श्री राम नहीं बोला गया इनसे एक बार भी, जय श्री राम से परे देख रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो दाढ़ी के बाल नोच रहे थे 2012-13 में, दाढ़ी के बाल नोच रहे, इनकी हिपोक्रेसी देख रहे हैं, अरे भगवान उठा ले यही दिन देखने के लिए, अरे भैया अल्लाह हु अकबर शांति का नारा, अरे अरे अच्छा वहां पे नहीं, नहीं कान में तेल डाल लिया था क्या आपने शिवम जी? आराम से शिवम जी, हर हर महादेव का भी नारा था, बरगलाइए मत, आपको जो नारे लगाने हैं आप लगाइए, ये अल्लाह हम आपकी अपनी आराम से धर्मेंद्र मलिक जी जहर खाना किसी को नहीं कहना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता सुनते में, अच्छा नहीं लगता जी। उन्होंने कहा, धर्मेंद्र मलिक जी ने कहा कि उस मंच से अल्लाह अकबर के नारे भी लगे तो ये हर हर महादेव का भी नारा लगा, हर हर महादेव का भी नारा लगा, दिखाइए चैलेंज है, दिखाइए अगर कहीं लगाओ लगाइए, बताइए कहीं लगाओ, हर हर महादेव तो रहा ही नहीं, दाढ़ी नोचने के लिए अल्लाह हु अकबर पर आ गए। अच्छा क्या होगा अगर दिखा दिया? अरे खूब लगाइए नारे, आप लगाइए, जनता तय कर लेगी, ये अल्लाह हु अकबर दिखा दिया तो अल्लाह हु अकबर वाले शांति लाएंगे इस देश में। अरे सुनो, अल्लाह हु अकबर वाले शांति लाएंगे इस देश में, एक चैलेंज लिया था अब वो सीताराम होता ही नहीं जी, सीताराम सुनिए जी सुनिए, सीताराम होता है ये नकली जय श्री राम बनाने वाले हैं। डॉक्टर राजीव उपाध्याय, डॉक्टर राजीव उपाध्याय, डॉक्टर राजीव उपाध्याय पॉइंट पर आइए, इधर उधर मत भागिए, हमें भी पता है सीताराम, डॉक्टर राजीव उपाध्याय नकली जय श्री राम बनाते हैं अभी, जिस तरह के रामचरितमानस पढ़ने वाले व्यक्ति को आप बताइए सीताराम और सीताराम में क्या फर्क है, नारों पर इतनी आपत्ति है, जिस 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 देश में सभी धर्म सभी जाति सभी संप्रदाय को एक साथ जोड़ने का नारा हो, जिसमें जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी तक के लोग आकर के लाखों की संख्या में अपनी आवाज उठाने और अपनी सम्मान की बात करते हो, वहां तो भाजपा को दर्द होगा ही, जो दंगा करता है, जो दंगा में सहयोगी होता है,
देश को तोड़ने का काम करता है, उसे जब जोड़ने की बात आएगी देश, तो उसे तो अंदर से दर्द होगा, घबराहट होगी, और यही घबराहट है आज आरएसएस और भाजपा के लोगों को। इन्हें लगता है कि कैसे ये हिंदू मुस्लिम एकता हो रही है, कैसे सभी धर्म के लोग और सभी समाज के लोग एक साथ खड़े हो रहे हैं, देश को कैसे एक मंच मिल रहा है, एक आवाज कैसे मिल रही है। ये दर्द दर्द दंगाइयों को दर्द होगा, हमेशा हुआ है, इतिहास हुआ है अंग्रेजों के। डॉक्टर अजीज खान देखिए प्रदीप जी, ये धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले लोग ये धार्मिक इत्तेहाद को नहीं समझ सकते। ये धार्मिक इत्तेहाद से इनको बहुत तकलीफ है। इनको शायद ये नहीं पता होगा कि वहां पर जो रैली हुई है उसमें मस्जिद की कमेटियां और मंदिर की कमेटियों ने पैसा इकट्ठा करके उन लोगों ने किसानों का स्वागत किया है, ये शायद इनको पता नहीं है। ये शिवम जी कह रहे हैं साहब अल्लाह अकबर का नारा लगा, अरे मैं तो कहना चाहूंगा जय राम विप्लव, जय राम विप्लव, हर हर महादेव, जय राम विप्लव, नारा लगा है जय राम विप्लव, जय राम विप्लव, देश को बांटने है, उत्तर मोहर है, जय राम विप्लव, आप देश को जो बांटने का काम कर रहे हो वो देश नहीं बचेगा। हम आपके साले जो आपका काम था आखिरी साल वो खत्म हो चुका है। तालिबान की चाप इस मुल्क के लोग आपकी चाप में रहेंगे, भाईचारा बना कर रहेंगे, आपके बहकावे में आने वाले नहीं है, आपके बहकावे में आने वाले नहीं है। आप कितना भी गुमराह कर लो कोई भी पहचाना नहीं, कितनी भी बात कर लो आपको हर हर महादेव नहीं सुनाई पड़ा, अल्लाह अकबर जी सुनाई पड़ा, अल्लाह अकबर। और ये बात सच है, ये बात सच है कि किसानों के जयराम की खूबसूरती जी जी, ये बात सच है जयराम विप्लव की कि इन 45 मिनट से ज्यादा में किसान के मुद्दे पे बात नहीं हुई। ये बात बिल्कुल सच है कि जिस पॉइंट पे बात होनी चाहिए थी किसान के हित, तो उस पर बात नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव की भूमिका जरूर तैयार है। वक्त आज अभी सिर्फ इतना, वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आ जाएंगे। सवाल सबसे बड़ा यही है, किसानों की मांग और सुलह का रास्ता ना निकल पाने की आखिर क्या ये चीज साबित करती है, और जो इस बहस आज की थी वो मुद्दा ये सामने है। राहुल गांधी जी यूं तो जमीन पर उतर कर राजनीति करते नहीं है, किंतु ट्विटर पे सक्रिय रूप से भ्रम की राजनीति करते रहते हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट करके एक पुराने फोटो को आज का फोटो दिखाने का कोशिश किया है, किसान आंदोलन के एक पुराने तस्वीर को रख करके उन्होंने उसे वर्तमान के तस्वीर के रूप में दिखाया है। तस्वीर में कहा लिखा कि ये मुजफ्फरनगर महापंचायत की तस्वीर है। कल के ट्वीट में राहुल जी की, वहां वो उन्होंने टैग किया है मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत और लिखा है गूंज रही सत्य की पुकार, तुम्हें सुनना होगा अन्यायी सरकार। और आज के ट्वीट में वो लिख रहे हैं कि वो डटा है, इधर है, निडर है। ये प्रतीकात्मक चित्र है, पिछले 8 महीने 9 महीने से लाखों किसान उद्वेलित होकर सड़कों पर हैं। तो बहस में आज अभी बस सिर्फ इतना, रुक